कुंडलिनी शक्ति के बारे में काफी सवाल आ रहे हैं। लगता है लोगों का काफी इंटरेस्ट है अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगाने के लिए, और मुझसे कई बार पूछा गया है कि क्वेश्चन वर्ड क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे अपनी कुंडलिनी को आसानी से जागृत किया जा सके, कोई ऐसी खास टेक्निक या ऐसा विशेष ध्यान, अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज हमें सिखाइए। तो वेल फ्रेंड्स, इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस मेरे पास में काफी दिनों से आ रहे हैं, तो चलिए आज थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं और आप बेहतर जान पाएंगे कि जब मैं कहूंगा कि कुंडलिनी शक्ति के बारे में जिद्दू कृष्ण मूर्ति ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। जय कृष्ण मूर्ति एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी कुंडलिनी समय से पहले ही एक्टिवेट हो गई थी। कृष्ण मूर्ति की चेतना को समय से पहले तैयार किया गया था और इसमें उनकी मदद कुछ महान लोगों ने की थी, एक साधारण व्यक्ति से दिव्य पुरुष बनने में। एनीवे, इतनी डिटेल में किसी और टॉपिक पर चलेंगे जब हम बात करेंगे जय कृष्ण मूर्ति की बायोग्राफी की। तो क्या हुआ जब जय कृष्ण मूर्ति से एक बार पूछा गया कि कुंडलिनी जागरण क्या है, आखिर ये कुंडलिनी शक्ति किस प्रकार काम करती है, और आपने इतनी कम उम्र में कुंडलिनी एक्टिवेशन का जो एक्सपीरियंस लिया है, क्या वो रियल था या आपकी एक कल्पना थी? आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपेंड हुई, आपने एक सोचने का अलग नजरिया दिया। इतनी कम उम्र में आपकी बुद्धि का स्तर और आपकी कॉन्शियसनेस, क्या ये कुंडलिनी की ही शक्ति का कमाल है? तो ये सवाल पूछे जाने पर कृष्ण मूर्ति जी ने कहा कि यस, मैं इन सब चीजों से गुजर चुका हूँ, मैंने कुंडलिनी जागरण का एक्सपीरियंस किया है। फिर कृष्ण मूर्ति जी बोले कि क्या वाकई इन सब चीजों के बारे में तुम जानना चाहते हो? सच में एक बार जानने से पहले इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम वो चीजें जानना चाहते हैं जिनके बारे में हमें उनका बेसिक भी नहीं पता होता। असल में हम उन रहस्यों के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन हम उसे जानना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसा बड़ा जानने के लिए आपको उसके बारे में कुछ बेसिक ज्ञान होना चाहिए। आमतौर पर हम कुंडलिनी शक्ति के बारे में क्यों जानना चाहते हैं, इस तरह की वीडियोस क्यों सर्च करते हैं, क्योंकि इनके बारे में हमने अब तक जितना पढ़ा या सुना वो केवल बाहरी ज्ञान है, यह कोई भीतरी एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, किसी और का हो सकता है पर आपका नहीं है। यह सब कुछ पढ़कर सुनकर हम लोग कुंडलिनी शक्ति के बारे में अपनी ही कल्पना करने लगते हैं कि यह शक्ति जब जागेगी तो मैं ऐसा हो जाऊंगा, वैसा हो जाऊंगा, फ्यूचर देख सकूंगा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। देखिए, हर एक चक्र की अपनी विशेष शक्ति है। ये सब कुछ आपने इंटरनेट के थ्रू या किसी भी किताब के जरिए जाना। अब आपका इंटरेस्ट जागता है, आपकी क्यूरियोसिटी जागती है, आप भी ऐसे होना चाहते हैं। सीरियसली, हर कोई ऐसा होना चाहता है, हम सभी चाहते हैं कि हमारे अंदर सुपर पावर्स आ जाएं। फिर कृष्णमूर्ति जी बोले, देखिए, कुंडलिनी शक्ति का एक्सपीरियंस रिलीज ऑफ एनर्जी है। जब यह एनर्जी अपने बिंदु से रिलीज हो जाती है तब उसको कहा जाता है एक्सपीरियंस ऑफ कुंडलिनी एक्टिवेशन। आपके शरीर में मेनली 7 बिंदु हैं, एंड दोज आर नॉट फिजिकल, मतलब उन्हें देखा नहीं जा सकता। अब चाहे हमारी मेडिकल साइंस कितनी ही तरक्की क्यों ना कर ले, वो भी उसे नहीं देख सकती। तो ये पॉइंट है, अति सूक्ष्म है, और जो चीज जितनी सूक्ष्म होती है उसमें उतनी ही ज्यादा शक्ति होती है। जैसे एक परमाणु में असामान्य शक्ति छुपी होती है, ठीक उसी प्रकार आपके शरीर में जो 7 बिंदु हैं, जो परमाणु से भी ज्यादा सूक्ष्म है, उन 7 पॉइंट में एक एटम से भी कहीं ज्यादा शक्ति छुपी हुई है। अब इसमें कृष्णमूर्ति जी आगे क्या कहते हैं, वो बोलते हैं इन सबके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आप कुंडलिनी एक्टिवेशन के लिए कोई भी क्रिया करेंगे या कोई भी ध्यान करेंगे, उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि उल्टा आप उसमें अपना समय बर्बाद करेंगे। आपको इन सब फालतू के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि आपको यह देखना चाहिए कि आपकी एनर्जी किस पॉइंट पर कहां पर ब्लॉक है। और यह जानने के लिए कि आपकी एनर्जी कहां पर ब्लॉक है, इसके लिए आपको खुद को ऑब्जर्व करना होगा। लेकिन यह ऑब्जर्व करना इतना आसान भी नहीं है। हर एक चक्र की अपनी अपनी खास शक्ति होती है। इसके बारे में मैंने अपनी कुछ कुंडलिनी एक्टिवेशन की वीडियोस में बताया हुआ है कि हर एक चक्र की अपनी क्या शक्ति होती है, क्या क्षमताएं होती हैं। और जब हर एक चक्र की एनर्जी रिलीज होती है, ऊपर की ओर गति करती है, तो जिस चक्र की जो क्षमताएं होती हैं वो क्षमताएं आपको मिल जाती हैं। उसी प्रकार से आपके अंदर काबिलियत आने लगती है, आप निडर हो सकते हो, कलाकार हो सकते हो। शक्ति जैसे जैसे रिलीज होगी और ऊपर की ओर गति करेगी, वो सभी बदलाव आपके अंदर दिखने लगेंगे, आपके इस भौतिक शरीर में भी दिखने लगेंगे, और आपकी बुद्धि इसका सीधा साधा प्रमाण होगी। बस आपको ध्यान रखना है, अपने भीतर देखना है,
कि जब आपको गुस्सा आता है, आप बहुत एंगर में होते हो, तब थोड़ा सा आपको कॉन्शियस होना है, देखना है कि आपकी कितनी एनर्जी वहां पर ब्लॉक्ड है। धीरे धीरे जब आप अपनी भीतरी किताब के पन्ने पलटने लगोगे और उन्हें पढ़ने लगोगे, तब आपको सब कुछ साफ होने लगेगा। देखिए मेरी बात ध्यान रखना, अब तक इस पृथ्वी पर जितने भी महान लोगों की कुंडली एक्टिवेट हो चुकी है, उनमें से किसी ने भी कुंडलिनी जागरण के लिए कोई भी ध्यान नहीं किया था, ऐसा कोई प्रयोग नहीं किया था। उन्होंने बस जो किया सो किया। कुंडलिनी तो उनकी अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है, इसलिए कुंडलिनी एक्टिवेट करने के लिए ध्यान करोगे तो आपकी कुंडली कभी नहीं जागृत होगी। और जब आपका निष्काम ध्यान होने लगेगा, ध्यान हर पल घटने लगेगा। हाँ, स्टार्टिंग में तो आपको खुद ही प्रयास करना होगा, अपनी कॉन्शियसनेस को बार बार पकड़ कर लाना होगा। थोड़ी मेहनत थोड़े प्रयास के बाद आपका इसमें मन लगने लगेगा, ध्यान होने लगेगा। और जब ध्यान स्वतः ही होने लगे, हाँ ध्यान को कभी नहीं किया जा सकता, ध्यान तो अपने आप ही घटता है, और जब ये घटने लगता है तब आपको आंखें बंद करने की भी आवश्यकता नहीं होती। ये हर पल घटता है, आपके ऑफिस में, आपके घर पर, पत्नी बच्चों के साथ, हमेशा। हर एक चीज सीरियल की तरह एक नाटकीय रूप में दिखने लगती है, समझो आपका ध्यान घटने लगा। और इसके बाद तो कुंडलिनी अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि ऊर्जा ऊपर की ओर गति करने लगी है। लेकिन अब आप इसमें यह मत सोचना कि अब मैं कुंडलिनी एक्टिवेट करने के लिए ध्यान नहीं करूंगा तब मेरी कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाएगी। मन बड़ा ही चालाक है, ये आपके साथ खेल खेलता है। देखिए शक्ति खतरनाक है, ये आपका यह जीवन बदल सकती है, तो इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगी, क्यों है ना। और आज के युवा वर्ग का कुंडलिनी एक्टिवेशन में इंटरेस्ट देखते हुए आज बाजार में कई सारी दुकानें भी खुल गई हैं जो आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट करती हैं। ऐसे कुछ लोग थोड़ी जानकारी जमा कर लेते हैं और उसके बाद दो चार लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, एक संस्था तैयार कर ली जाती है और फिर सारा नाटक सारा खेल शुरू हो जाता है लोगों को बेवकूफ बनाने का और आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट होने लगती है। ये सब बकवास है, आप इन चक्रों में ना पड़िए। आपने कुंडलिनी जागरण का एक्सपीरियंस के बारे में इधर उधर से सुना और उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने के बाद आपको लगता है कि आपका भी कोई चक्र खुल गया है। और मेरे पास तो ऐसे बहुत से कमेंट आते हैं, ईमेल्स आते हैं, जिसमें मुझसे लोग दावा करते हैं कि उनके फला फला चक्र खुल गए हैं। अब मैं क्या करूं, मेरा अज्ञा चक्र खुल रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए। किसी किसी का तो सहस्रार चक्र भी खुल जाता है, वो मुझसे पूछते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। अब देखो कितनी बड़ी बेवकूफी है, लोग अपने आप को किस प्रकार धोखा दे रहे हैं। जब आपकी कुंडलिनी एनर्जी थोड़ी सी भी ऊपर की ओर गति करेगी, तब सभी सवालों के जवाब आपको खुद ब खुद मिलने लगेंगे, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ जाएगी, बुद्धि का स्तर भी काफी ज्यादा हो जाएगा। जैसे जैसे जो जो चक्र आपके खुलेंगे, आप उतने ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। और फिर मेरे जैसे इंसान से पूछने की क्या जरूरत पड़ेगी आपको कि आपका यह चक्र खुल गया है, अब आपको क्या करना चाहिए। और कमाल की बात है, आपके चक्र खुल रहे हैं और चारों तरफ आप गाना गाते फिर रहे हैं कि आपके चक्र एक्टिवेट हो गए। असल में ये आपका अहंकार ही है, आपकी इमेजिनेशन, आपने अपने आप को सेल्फ हिप्नोटाइज कर लिया है और दुनिया वालों को बताकर वाहवाही लूटना चाहते हैं। एनीवे, कुंडलिनी के बारे में जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी जिसमें हर एक चक्र की अपनी अलग शक्ति होती है, वो वीडियो आपने नहीं देखा तो मैं उसे एंड स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस बारे में थोड़ा और जान पाएंगे। और हाँ, मैं किसी की कुंडलिनी एक्टिवेट नहीं कर सकता, मैं तो बस ध्यान सिखाता हूँ, जो मुझे आता है मैं वही कराता हूँ।